नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि बिहार के राज्यपाल दो दिवसीय दौरे पर दरभंगा में हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय के बाद आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अरलेकर दरभंगा प्रवास के आज दूसरे दिन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पहुँचे। सीनेट की बैठक में भाग लिया। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जुबली हॉल में सीनेट की बैठक आयोजित की गई थी। 14 अरब से ज़्यादा घाटे का बजट हुआ है पास। आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त घाटा है। साथ ही आपको बता दें कि शुरुआत होने से पहले जो खासकर पत्रकारों को जो कार्ड बनाकर दिया गया था, वो कार्ड तो दे दिया गया, लेकिन पत्रकारों को जो फाइल देना था जिसमें वो बजट का पेपर देते, जो बजट का स्क्रिप्ट देते या फिर बजट का जो फॉर्मेट देते, वो तक हमें नहीं मिला। जब हम वहाँ पहुँचे, हम जब मांगने के लिए पहुँचे, उस फॉर्मेट के बारे में हमने जानना चाहा, तो उन्होंने कहा कि फाइल कम हो गया है, ख़त्म हो गया है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लापरवाही है कि पत्रकारों से छिपाया जा रहा है, पत्रकारों को नहीं दिया जा रहा है कुछ भी। तो ऐसे में ये बहुत ही चिंता का विषय है। अगर पत्रकार को ही आप साइड कर देंगे तब तो आप फ्री हैं, कुछ भी करिए अपने मन से। लेकिन आज दरभंगा में जो खासकर राज्यपाल आए हैं उसकी बात हम करते हैं। यहाँ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में भाषण में उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक भारत विकसित होना देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री, यदि भारत विकसित की बात करते हैं तो हमारे और आपके ऊपर भी प्रधानमंत्री का भरोसा है। मुझे लगता है आप इसको ध्यान में रखकर काम करेंगे और आने वाला समय जो है इसको पुनः एक बार मैं कहूंगा, वो एक अलग विचार है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने एक सपना रखा है, उनका सपना है, ऐसा नहीं, पूरे भारतवासियों का सपना है कि अपना देश विकसित होना चाहिए। वो कैसे हो पाएगा? आज हम डेवलप कंट्री नहीं है, हम अंडर डेवलप्ड हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, ऐसी कंट्री हैं। डेवलप्ड कंट्री विकसित कैसे होंगे, इसके ऊपर सोचने की आवश्यकता है। और इसके ऊपर हम कैसे सोचेंगे, क्या योगदान देंगे? प्रधानमंत्री तो दिल्ली में होते हैं, उनको क्या, वो वहां से कह देते हैं विकसित भारत होना चाहिए, इतना ही होता है क्या? उन्होंने आप और हम जैसे लोगों पर भरोसा करके यह विकसित भारत का सपना सब पूरे देश के सामने रखा है, उनका भरोसा हम सब है। जब इस दिशा में हम प्रधानमंत्री करते कहते हैं ना, हमको करना चाहिए, उन्होंने भी कुछ सोचा होगा। जब हमारे स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे 2047 में, उस 20 दिवस तक भारत विकसित भारत होने वाला है, ऐसा सोचकर हम सब और इसमें मेरा क्या योगदान रहेगा, इस पर भी कुछ ना कुछ सोच रहेगी। मैं शिक्षा के जगत से अगर इसमें जुड़ा हुआ हूं तो शिक्षा की दृष्टि से करूंगा, उद्योग की दृष्टि से अगर वहां जुड़ा हूं तो मैं उद्योग की करूंगा, मैं विधिमंडल में अगर हूं वहां से करूंगा, मैं और कुछ नौकरी करता हूं आज के दिनांक में तो वहीं से करूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ योगदान इस विकसित भारत के सपने में मेरा होना चाहिए। मुझे लगता है इस दिशा में अगर विचार करेंगे तो आज की यह बैठक सार्थक होगी। कि आने वाले समय में मेरा सपना यह है, आने वाले समय में उस दिन की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, मेरे अपने बिहार के बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाने के बजाय बाहर के बच्चे मेरे बिहार में पढ़ने के लिए आएंगे, ऐसा वातावरण हमको निर्माण करना होगा और इसके उत्तरदायी हम हैं। बाहर के बच्चे मेरे बिहार में आने चाहिए पढ़ने के लिए। हाँ, इस ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की डिग्री बहुत अच्छी होती है, उस डिग्री के लिए उनकी क्यू लगनी चाहिए, लाइन लगनी चाहिए हमारे इस विश्वविद्यालय की डिग्री के लिए, ऐसा एक सपना लेकर हम सब आगे बढ़ेंगे बिल्कुल। और मुझे लगता है हम एक दिशा में एक साथ सोचकर आगे बढ़ेंगे, हमको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक। दीजिए नहीं पर उनको सर बताइए, आज बजट पेश हुआ है, क्या रहा, कितने का रहा?
वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने सीनेट के पटल पे उनका बजट रखा, जिसमें कि टोटल बजटरी एलोकेशन 1460.34 करोड़ है। उसमें हमारा जो इनकम है वो 124.80 करोड़ है, एक्सपेंडिचर टोटल 1586.11 करोड़ है, नेट बजट हमारा 1461.31 करोड़ है। कितने का घाटा जाता है इसमें बजट में? जैसा कि आप जानते हैं कि सभी विश्वविद्यालय में फंडिंग जो होता है ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट का है, इसमें हम इसको घाटा नहीं कह सकते हैं, फंड स्टेट गवर्नमेंट का है। हाँ, जो हमारा सेल्फ फाइनेंस स्कीम है उसमें हमारा घाटा है। बताए डॉक्टर दिलीप कुमार। एक दिन में 3 विजिट प्रकाशन अपलोड किया जाता है, अभी किया गया उसमें 0 मार्क्स, एकदम सही बात कर। 2 घंटा के बाद किया गया उसमें 13 मार्क्स, और उसके बाद शाम में 4 बजे किया गया उसमें 45 मार्क्स। ये डाटा एजेंसी का रिजल्ट प्रकाशन हो गया। जब विश्वविद्यालय का अपना स्रोत चेक करती तो पैसा भी कम लगता और रिजल्ट का प्रकाशन भी अच्छा होता। मास है, मैं आपको एक और अवगत करवाना चाहता हूँ। इसी डाटा एजेंसी के द्वारा एडमिट कार्ड जारी भी की जाती है, जिस एडमिट कार्ड में माननीय प्रधानमंत्री का फोटो। तो मुझे नहीं लग रहा था कि केवल अधिसर की बैठक को हमारे माननीय कुलाधिपति संबोधित कर रहे हैं, वरन मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि किसी दीक्षांत समारोह में शामिल हूं और उसमें महामहिम कुलाधिपति का प्रबोधन हो रहा है। इसलिए मैं संपूर्ण सदन की ओर से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आपके संबोधन के दरमियान मुझे पंडित मदन मोहन मालवीय जी की याद आ गई। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय कुलपति महोदय को।